नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिक्षा अकेडमी की इस नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी पुलिस रिजल्ट की कंफर्म इन्फॉर्मेशन के बारे में कि दोस्तों कब यह रिजल्ट आने वाला है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखेगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि जो भी नया अपडेट रहेगा आप तक आसानी से पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं क्या नया अपडेट आया है। दोस्तों जैसे कि यह न्यूज़पेपर आप देख रहे हैं, यह दोस्तों नव भारत टाइम्स का न्यूज़पेपर है। इसमें दोस्तों दिया गया है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो रिजल्ट है 2018 का है दोस्तों अगले हफ्ते आने की संभावना है और इसकी पूरी डिटेल इसमें दी गई है। तो जानते हैं इसकी पूरी डिटेल इसमें क्या क्या दिया गया है। दोस्तों यह जो न्यूज़पेपर है यह दोस्तों अपडेट हुआ है अभी 29/2018 को, यानी कि 29 नवम्बर 2018 को यह न्यूज़ आई हुई, यानी कि अभी यह अपडेट हुआ है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया है कि अगले महीने यानी कि दिसंबर में उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट 2018 की घोषणा कर सकता है। ठीक है, यानी कि अगले हफ्ते जो कि दिसंबर में है 1 से 5 तारीख के समथिंग यह रिजल्ट घोषित कर सकता है। ठीक है, यह दोस्तों नव भारत टाइम की न्यूज़ है, यह कोई भी न्यूज़ झूठ नहीं है। ठीक है दोस्तों यह और इसमें दिया गया है अगर आपने भी एग्ज़ाम दिया है तो ठीक है, और क्या यदि आपने एग्ज़ाम दिया है तो 23 नवंबर को यूपी पुलिस भर्ती में बोर्ड ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें कहा गया था कि फिजिकल टेस्ट पुरुषों को 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर दौड़ना होगा। ठीक है, और वही महिलाओं को 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर की दौड़ लगानी होगी, यानी कि फिजिकल के बारे में कहा गया था। और दोस्तों उसमें आगे है कि बता यूपी पुलिस भर्ती की प्रनोत्री बोर्ड की वेबसाइट 16 दिसंबर को एक नया नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें कहा गया था आवेदन एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे उन्हें दिसंबर के पहले हफ्ते आयोजित फिजिकल टेस्ट में भाग लेना होगा, यानी कि दिसंबर में पहले हफ्ते ही यह फिजिकल होने लगेगा। ठीक है, इसका दोस्तों मतलब यह निकाला है इन लोगों ने कि दिसंबर के पहले हफ्ते में ही रिजल्ट जारी किया जाएगा या फिर घोषणा की जाएगी, रिजल्ट आने की घोषणा की जाएगी। दोस्तों आज है कितना 29 नवंबर, आज 29 नवंबर है, यानी कि दो दिन बाद इसका रिजल्ट आने की बिल्कुल पूरी संभावना व्यक्त की जा रही है। दोस्तों यह जो अपडेट है न्यूज़ में आपके लिए बता रहा हूँ यह दोस्तों नव भारत टाइम की न्यूज़ है। तो दोस्तों इस न्यूज़ में बस इतना ही अपडेट मैं आपके लिए बताना चाहता था। यदि आपका यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।